भारत सरकार के केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू आज मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने खेल मंत्री का जोरदार स्वागत किया और मथुरा के खेलों के लिए एक स्टेडियम की मांग की, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री ने जहां मथुरा के भाजपा नेताओं की मांग को लेकर कहा कि हम खेल मंत्री हैं और सांसद हेमा मालिनी तथा मुख्यमंत्री योगी के साथ मिलकर यहां के स्टेडियम की मांग को लेकर जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा। वहीं खेल मंत्री ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने धारा 370 और 35 से हटाकर जो काम किया है, वह पिछले 70 सालों में कोई नहीं कर सका, मगर उसके लिए हम जनता के भी आभारी हैं, जिन्होंने भाजपा की सरकार को बहुमत देकर इस निर्णय को लेने लायक बनाया और अब एक देश एक झंडा पूरे देश में लागू है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं तथा 370 को लेकर विपक्ष द्वारा और पाकिस्तान द्वारा खुश न होने के मामले सवाल पर खेल मंत्री ने कहा कि ना जाने क्यों कांग्रेस और पाकिस्तान की सोच एक जैसी होती है और हमेशा उनकी सोच एक दूसरे से मेल आखिर क्यों खाती है, यह तो कांग्रेस वाले ही जाने। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम खेल मंत्री होते हुए खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं और मेडल ऑफ विकी भी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। वहीं देश में आई मंदी पर कहा कि जब विश्व पर कोई संकट आता है तो उसका असर सब पर आता है, क्योंकि हमारे सामान का निर्यात नहीं हो रहा है, जबकि फिर भी वित्त मंत्री ने टैक्स और जीएसटी में आने वाली गरीबों के इस्तेमाल की चीजों को सस्ता किया है, जो कि तारीफ के लायक है। देखिए, जो काम आज तक नहीं हो पाया वो हो गया पहले, उसको आप समझ लीजिए। ज्यादा हम जम मारेंगे तो ठीक बात नहीं है। तो हमको जो ब्रीफ है, मेरा जो दायित्व मैं निभा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना जो हुआ है उसमें आप समझना चाहिए कि ये कितना दृढ़ शक्ति। लेकिन किरण रिजिजू साहब का स्टेटमेंट हम कर नहीं पाया, लेकिन कुछ कठिनाई है तो उसको सुधारने के लिए जो कदम उठाया तो उसका तो असर होगा। सर, इज देयर एनी कमेंट ऑन शरद पवार? इज देयर एनी कमेंट? हम लोगों से काफी सीनियर है, उसके बारे में मैं क्या कहूँगा। सर, अगला स्टेप पीओके में? अगला स्टेप फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार। पार्टी देखिए, इतना जन समर्थन मिल रहा है तो फिर पार्टी तो फिर से सरकार बनेगी ना, क्यों सेवा जो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। देखो फर्क क्या है, कांग्रेस पार्टी लोग शासन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सेवा करता है, ये फर्क है। सर, आप यू आर अ सीनियर मिनिस्टर, इससे पहले आपके पास होम मिनिस्ट्री में मानता है, अक्षय चिन्ह हो या पीओके या बल्टिस्तान, भारत के मानचित्र में ऑफिशियली वो हमारा मानचित्र में आता है। मंत्री जी, अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ खेल का क्या विचार है कुछ उस पर? पाकिस्तान के साथ कोई भी जो बायलैटरल गेम होगा वो सरकार तय करेगी। जो इंटरनेशनल मैच होता है, जैसे ओलंपिक्स में हम पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ेगा, वो हमारा हाथ में नहीं, वो ओलंपिक कमेटी तय करते हैं, या डेविस कप या कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मल्टीलेटरल गेम होता है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि ओलंपिक का चार्टर होते हैं। लेकिन जो बायलैटरल होते हैं ना, जैसे क्रिकेट सीरीज होते हैं, हॉकी सीरीज होते हैं, या हमारे जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।